दोस्तों इस वीडियो में बिहार पुलिस रिजल्ट के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, बिहार पुलिस के रिजल्ट कब आएगी, रिजल्ट आने के बाद फिजिकल के लिए आपको कितना समय दिया जाएगा, इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बात करने वाले हैं। इसलिए यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बिहार पुलिस का एग्जाम दिए और फाइनल रिजल्ट आने का इंतजार कर रहे थे। बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस ऐसा ही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए। चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं जो बिहार पुलिस के रिजल्ट के रिगार्डिंग विभाग की तरफ से क्या अपडेट निकल के आई है, आखिर विभाग कब रिजल्ट जारी कर रहा है और रिजल्ट जारी होने के बाद आपको फिजिकल के लिए कितना समय दिया जाएगा, फिजिकल कब लिया जाएगा, आप लोग वीडियो में बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, इसी माह आएगा सिपाही बहाली का रिजल्ट। चलिए पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। ये आज का न्यूज है, आज का पेपर अगर आप देखे होंगे तो आज के पेपर में दिया गया है। चलिए आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग अपडेट दिया गया है, आपका रिजल्ट कब आ रहा है, तो चलिए पूरी जानकारी इस वीडियो में बता रहे हैं। दोस्तों देख लीजिए, इसी माह आएगा सिपाही बहाली का रिजल्ट। देख लीजिए, दिसंबर में दूसरे चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा। हम पहले ही बता दिए फिजिकल आपका दिसंबर में होगा, इससे पहले भी हम वीडियो बनाए थे उसमें भी हम आपको क्लियर कर बताए थे। बिहार पुलिस में 21,391 सिपाहियों की बहाली को लेकर हुई लिखित परीक्षा का परिणाम इसी माह के अंत तक आने की उम्मीद है। अगस्त 2024 में 6 चरणों में हुई इस परीक्षा में 18 लाख आवेदकों के मुकाबले में 12.5 लाख परीक्षार्थियों ने भाग लिया था। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती कुल पद के विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण रोटी वार 5 गुना अभ्यर्थियों का रिजल्ट तैयार करने में जुटा है। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी दूसरे चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए खुद ब खुद असफल घोषित होंगे। मेधा सूची के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन होगा। जानकारी के मुताबिक अक्टूबर के अंत तक रिजल्ट प्रकाशित हो सकता है। शारीरिक दक्षता परीक्षा दिसंबर में राजधानी पटना के केंद्रों पर ली जा सकती है। तो दोस्तों देख लीजिए, अभी बिहार पुलिस रिजल्ट के रिगार्डिंग क्या अपडेट निकल के आए, हम पहले ही बताए थे जो अक्टूबर के, इससे पहले भी वीडियो बनाए थे जिसमें आपको बताए थे जो अक्टूबर के लास्ट में आपको जो है ये रिजल्ट आपको देखने को मिलेगी, ये हम क्लियर कट आपको जानकारी दिए थे जो अक्टूबर के लास्ट में आपको जो है इसका रिजल्ट देखने को मिलेगी और आपका फिजिकल दिसंबर में होगा, ये हम पूरा आपको जानकारी दे चुके थे इससे पहले वाला वीडियो में। और देखिए फाइली आपको निकल के आ गया है जो देख लीजिए, यहाँ पे 21,391 को 5 से गुना कीजिए, ठीक है, कितना गुना आपको जो है दिया जाएगा, 5 गुना, लगभग मान लीजिए 1,10,000 स्टूडेंट को जो है पीटी का रिजल्ट बनेगा। 1,10,000 मान लीजिए, 1,10,000 के आसपास पीटी का जो है रिजल्ट आएगी। कितना फॉर्म भरा था, 18 लाख, एग्जाम कितना दिया है, 12.5 लाख एग्जाम दिया, ठीक है, और आपका ये दिसंबर में एग्जाम होगी फिजिकल का, हम पहले बता दिए टेस्ट आपका फिजिकल जो होगी, ठीक है, ये आपका दिसंबर में होगा। तो इसीलिए जो भी स्टूडेंट अभी भी तैयारी नहीं कर रहे तो तैयारी जोर शोर से शुरू कर दीजिए, इसी महीना आपके अक्टूबर के लास्ट लास्ट तक इसका रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में यही जानकारी देने वाले थे, आप लोग पूछ रहे थे सर बिहार पुलिस का रिजल्ट कब आएगा, सर फिजिकल कब होगी, तो पूरी जानकारी बता दिए है, ये आज का न्यूज है। अगर आज पेपर आप नहीं पढ़े तो पेपर देख लीजिएगा, ठीक है, ये आज का न्यूज है। तो चलिए इस वीडियो में यही जानकारी देने वाले थे कि बिहार पुलिस का रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट आने के बाद फिजिकल कब होगी, ये भी जानकारी हम आपको दे चुके हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जैसे ही बिहार पुलिस रिजल्ट के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आएगा वीडियो बनाएंगे, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू।